रक्षाबंधन स्पेशल में आज मेरे साथ है बहुत ही क्यूट भाई बहन की जोड़ी सोनल और शशांक. फर्स्टली वेलकम टू U24 गाइस. थैंक यू. और आज कहीं अलग जगह पे मिले हैं, कुछ स्पेशल होने वाला है. क्या मौका है और क्या होने वाला है? यस, जैसे कि मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ और शशांक जो है ये लखनऊ दिल्ली हर जगह पर रहा है, तो ये मुझसे काफी टाइम से बोल रहा था कि एक जगह है सागीनाका में दिल्ली हाईवे करके, और मेरे काफी सारे फ्रेंड्स भी यहाँ पर आए हैं. तो आपको जैसे पता ही है कि दिल्ली के खाने की लोग इतनी तारीफ करते हैं, तो मैं कभी दिल्ली जाकर ऐसे रही नहीं हूँ. काम के लिए गई हूँ तो इतना ज़्यादा कभी एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला. तो इसने बोला कि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है जो आप टेस्ट कर सकते हो, तो स्पेशली यहाँ का खाना टेस्ट करने के लिए मैं आई हूँ. एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और रक्षाबंधन का आज सब कुछ झूठ बोल रही है. एक्चुअली इसके पास बजट ही नहीं था कि वहाँ पे जाए एंजॉय कर सके, तो आज मैं इसको लेके आया हूँ स्पेशली दिल्ली के. रक्षाबंधन है तो एक दिन तो इसको करना ही पड़ेगा, तो आज तो ये लेकर आया है मुझे. हाँ, बट मैं कोई गिफ्ट देने वाला नहीं हूँ, ये गलत सोच रही जो भी सोच रही है. कोई बात नहीं. शशांक, लेकर तो आए हैं आप इनको, क्या पैम्परिंग करने वाले हैं? जैसे कहते हैं ना, हर भाई की कहानी होती है कि बहन को झेलना पड़ता है, तो आज एक दिन आपको इनकी ख्वाहिशें पूरी करनी होगी, बहुत ही प्यार से ट्रीट करना होगा, तो वो कैसे करने वाले हैं फर्स्टली आप? ऐसा तो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन कहीं अगर गड्ढा मिलेगा तो धक्का जरूर दे दूंगा. ऐसे मैं बहुत झेल रहा हूँ और बहुत समय से झेल रहा हूँ इस वजह से. ओके, तो थोड़ा सा मैं ग्लिम्स जाना चाहूंगी, कहाँ हुई मुलाकात, कैसे ये भाई बहन का रिश्ता जोड़ा? बहुत ही स्पेशल एक रिश्ता होता है ये आज के दौर में स्पेशली, तो कहाँ मिले और शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली हम लोग दोनों एक ही शो कर रहे थे, ये वादा रहा. सो शुरू में तो हम लोगों की इतना कभी इंटरेक्शन होता नहीं था, लेकिन ऐसे एक होता ना कि जब भी आप किसी इंसान से मिलते हो आपको उसका एक वाइब पता चल जाता है. तो पहले तो हमारी बहुत कम बात होती थी, लेकिन जब जैसे हमारी ज़्यादा बातें होना शुरू हुई तो अंदर से एक ऐसी फीलिंग आई ऐसे भाई वाली. तो मैंने इसको मजाक में एक दिन भाई भाई बोलना शुरू किया, तो इसने बोला मैं ऐसे एक्चुअली किसी को बहन बनाता नहीं. तो इसने बहुत टाइम लिया मुझे बहन बनाने के लिए, एंड फिर तब से हर साल मैं इसको राखी बांधती हूँ. एंड हमेशा हम कोशिश करते हैं कि कुछ रक्षाबंधन पे डिफरेंट करे. सो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कोई ब्लड रिलेशन हो आपका किसी के साथ. एंड आप किसी का भी ख्याल रख सकते हैं, मतलब जिसको आप दिल से अपना मानते हैं. सो हमारे लिए ये रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि वो सेम फीलिंग्स जो है भाई बहन की वैसे उससे मैच करता है. ओके, तो मुझे बातों से ऐसा लग रहा है ये जितने भी डायलॉग बोल रही है, मैं सच बता रहा हूँ, ये सारे डायलॉग मेरे हैं. जिस दिन मैंने इसको बहन एक्सेप्ट किया था, उस दिन मैंने इसको बताया था कि एक्चुअली ब्लड रिलेशनशिप. अरे, तो इसके थॉट्स मैंने जस्ट अपने वर्ड्स में बताए हैं, मैं वही तो बोल रही हूँ. इसकी पूरी स्क्रिप्ट मेरी है, लेकिन प्रेजेंट इसमें. तो जैसे आप लोग भाई बहन के रिश्ते में देखते ही होंगे, भाई को कम ही बोलने मिलता है, बहन ही ज्यादा बोलती है. यहाँ पे भी ये हो रहा है, लेकिन इनकी थोड़ी सी बातचीत यहाँ रोकते हैं. अंदर जाने से पहले, खाना शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगी, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं एकदम ट्रेडिशनल में सोनल. पहले तो इनसे ड्राइव, तो आपने मुझे बोल दिया फॉर्मेलिटी के लिए. जैसे ही आज मैं इनको ये ड्रेस पहन के मिली, उन्होंने मुझे बोला कि बहुत गंदी ड्रेस पहनी है तुमने, तो ये आज जिद करके मैंने अपने हिसाब से ड्रेस पहनी है. तो इसको एक्चुअली कोई भी चीज़ करूँ तो पसंद आती ही नहीं है. प्लीज ज़रा गलत फहमी मत पालिए, ये सुंदर नहीं है. इसकी ड्रेस जो ये ड्रेस है ये भी मैंने ही खरीदी है. ये सच है, ये पूरा कंप्लीट झूठ बोले, बहुत झूठी है. बातों से ऐसा लग रहा है कि अंदर का जो आज का वक्त है हमारा बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है, तो दोनों लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द स्टोरी विद U24. बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. और एक चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे सारा खाना वेजिटेरियन है, लेकिन जो भी है टेस्ट ज्यादा मैटर करता है. और जितना मैंने सुना है वो ये है कि यहाँ पे खाना बहुत ही टेस्टी मिलता है. सो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अंदर जाकर खाना खाने के लिए. जैसा कि राखी के बाद में बहन हमेशा एक्सपेक्ट करती है कि भाई कुछ देगा, तो मैं भी इसके लिए कुछ लेके आया हूँ. ये तो गरीब है, ये तो मेरे लिए कुछ लाई नहीं होगी, लेकिन देना मुझे ही पड़ता है, तो मैं इसके लिए कुछ अलग सा लेके आया हूँ. मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा सा डाउट है कि ये सिर्फ बॉक्स तो नहीं है, इसीलिए अभी अपना एक्साइटमेंट छुपा कर रख रही हूँ मैं. और रहा सवाल, मैं कुछ नहीं देती, ये मेरा फेस्टिवल नहीं है, ये भाई ही देता है बहन को गिफ्ट. वो तो खोलने में पता चलेगा ना क्या है. तो मैं अभी खोलूं. बिल्कुल.
लाइट्स और ये नाइट लैम्प्स काफ़ी पसंद है, सो आई एम क्वाइट इम्प्रेस कि इसको पता था कि मुझे क्या टाइप की गिफ्ट पसंद है. सोनल को एक चीज़ नहीं पता है कि नाइट लैम्प नहीं है, मेरी और शशांक की फोटो है. ओ वाओ. फाइनली सोनल को सोनल का गिफ्ट मिल चुका है, लेकिन सोनल को अभी ये नहीं पता है कि इसके अंदर भी एक सरप्राइज है. तो आओ देखते हैं कि ठीक है, चलो देखते हैं. वाओ, बहुत ही स्वीट सिंपल और बहुत ही ब्यूटीफुल सा गिफ्ट है. आप देख सकते हैं दोनों साइड पिक्चर्स है एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे. थैंक यू. इससे ज़्यादा स्पेशल और कुछ भी नहीं कर सकते इसके लिए. बहुत मुश्किल से मैंने क्रिएट किया है इसको. थॉट काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी अच्छा है, यूनिक सा गिफ्ट है. मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आया. अभी मुझे गिफ्ट दे, उनको दूंगी भाई दूज पे, राखी पे नहीं. तो सोनल कैसा लगा तुम्हें मेरा गिफ्ट? सच बताओ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे. मुझे बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करी थी मैं कि ऐसा टाइप का कुछ गिफ्ट होगा. मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई ड्रेस होगा या तो कोई हैंडबैग टाइप कुछ होगा, बट कोई भी गिफ्ट जिसके लिए थोड़ा सोचा गया हो वो गिफ्ट बहुत ही प्रीशियस होता है. तो ये हमारी लास्ट ईयर राखी पे हमने ये फोटोज खींची थी और उसका ये इस लैम्प में पिक्चर है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे. सो बहुत ही अच्छा है. झगड़े जहन में आते हैं कि भाई बहन बहुत लड़ते हैं और ऐसी कोई चीज़ होती है जो सिर्फ भाई बहन के बारे में जानता है और बहन भाई के बारे में. एक्चुअली हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं एक दूसरे के बारे में, तो ऐसे जैसा कुछ पर्टिकुलर है नहीं कि जिससे हम दोनों एक दूसरे को ब्लैकमेल कर सके. सभी जानते हैं हम दोनों एक दूसरे के बारे में. फाइनली सोनल के लिए एक गाना है एक दो लाइन का जो दिल से नहीं गा रहा हूँ, जुबान से गा रहा हूँ. फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है. इससे ज्यादा गा नहीं सकता, सॉरी. सोनल और शशांक के साथ ये रक्षाबंधन हमारा तो बहुत अच्छा गुजरा. इनसे जानते हैं कि इनको कितना मजा आया हमारे साथ. हम लोगों को भी बहुत मजा आया क्योंकि हमने इतना टेस्टी टेस्टी खाना खाया यहाँ पर और अच्छे अच्छे गिफ्ट, अच्छा गिफ्ट मिला है मुझे इतना. तो मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी पहले से ये जानने के लिए कि इसने गिफ्ट लाया होगा तो क्या लाया होगा. सो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो काफी अच्छा था. शशांक कुछ कहेंगे अबाउट द थाली जो खाया है आप लोगों ने? थाली बहुत ही अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी और उससे भी अच्छी चीज़ ये है कि मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ा है, पूरा पेमेंट इसने किया है. तो उसके लिए सोनल को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा. तो मैं आप लोगों को ये मतलब ज़रूर रेकमेंड करना चाहूँगी कि आप लोग दिल्ली हाईवे में यहाँ पे साकीनाका में ज़रूर आइए. अगर आप नॉर्थ इंडियन खाने के शौकीन हो तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ यहाँ पर ज़रूर आइए. आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा. लास्ट चलते चलते कोई विशेष और मैसेज दे दीजिए टू ऑल योर फैंस एंड द व्यूअर्स ऑफ E24. सभी को मैं बेस्ट विशेष देना चाहूंगी रक्षाबंधन के लिए. आप अपने भाई बहन के साथ यहाँ पर जरूर आइए सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली हाईवे में साकीनाका में और एंजॉय कीजिए. हमें तो यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा. विश यू हैप्पी रक्षाबंधन. विश यू हैप्पी रक्षाबंधन. चलिए थैंक यू सो मच शशांक एंड सोहा. कैमरा पर्सन अनंतो के साथ ज़ारा खान E24 मुंबई.